नमस्कार। एक खबर आई कि हाफिज सईद का जो बेटा है वो लापता हो गया, मतलब उसको एबडक्ट कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया। कुछ लोगों ने उसे पेशावर से अगवा किया और उसके बाद से ISI भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। ये खबर खुद ISI ने फैलाई है, और क्यों फैलाई है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और क्या वो अगवा हुआ है, उससे पहले मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बात बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। कमालुद्दीन सईद जो है ट्यूसडे को यानी कि परसों, वो ऐसा बताया जा रहा है कि पेशावर में एक गाड़ी आई और उसको उठाया और गायब कर ले गई। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का बेटा मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक का बेटा। उस आदमी के पास क्या सिक्योरिटी नहीं थी? हाफिज सईद के चारों ओर इतने सारे लोग घूमते हैं, उसके चंपू घूमते हैं, उसका बेटा एक और है तलहा, दो बेटे इसके हाफिज सईद के, एक और बेटा है तलहा जो के लश्कर में सेकंड इन कमांड है, वो सारे फाइनेंसेस देखता है लश्कर के। जिस आदमी के घर में दो आतंकवादी हूं अपनी इमीडिएट फैमिली में, हाफिज सईद की फैमिली में 36 आतंकवादी, जिसकी अपनी इमीडिएट मतलब एक बहन और है इनकी, वो उसका नाम है मोमिना सईद, उसका कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं वो है कि नहीं इन्वॉल्व, लेकिन वो हमने आतंकवाद में देखी नहीं है। कमालुद्दीन सईद हाफिज सईद के बाप का भी नाम है और बेटे का भी नाम है दोनों। कमालुद्दीन सईद जो बाप था वो तो कब का धन्यवाद हो गए, वो तो कब के उनके इंतकाल हो चुका, उनका इससे आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं था। मोमिना सईद उसके बारे में भी और हाफिज सईद की वाइफ के बारे में पता लगता है कि वो दोनों भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तलहा जो है वो आला दर्जे का आतंकवादी है। तलहा को तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक ले गया था कि इसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए, और चाइना ने उसमें बीच में बाजी मारी, नो डाउट अबाउट इट, चाइना ने रोक दिया था। अच्छा, तलहा पे एक आतंकवादी हमला भी हो चुका है जून 2021 में, उसके ऊपर एक ब्लास्ट किया गया था सईद जौहर टाउन पे, और ये हमला सॉरी ये हमला हाफिज सईद पे था जौहर टाउन, और हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी, वो बच गया था। तलहा पे भी हमला हुआ था, तलहा को लिए रेफ्रिजरेटर में रखा गया था बॉम्ब और उसको मारने की, वो ये 2019 में हुआ था और तलहा भी बच गया था। कमालुद्दीन सईद ये भी आतंकवाद से इन्वॉल्व है, लेकिन ये आदमी खुले में कैसे घूम रहा था? अगर इसको एबडक किया गया तो ये खुले में कैसे क्या घूम रहा था, और इसके साथ कौन थे? ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया ने कराया, हालांकि पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं इस पे बिल्कुल शांत है। क्यों शांत है ये भी बताऊंगा। पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, ISI के लोग हैं, और किसी भी न्यूज चैनल की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो इनके खिलाफ बोल जाए, इनके आदमियों के खिलाफ बोल जाए। पता है इमरान रियाज खान का क्या हुआ? 4 महीने बाद आया है, कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसकी हालत खराब है, वो बेचारा पड़ा हुआ है कहीं पे कोने में, उससे कोई मिलने भी नहीं जा रहा, वो बोल नहीं सकता, उसे काफी कुछ दिमाग से उसके निकला भी हुआ है, उसकी हालत खराब, मतलब और कोई और बोले बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही कोई और न्यूज चैनल आपके हाफिज सईद पे क्वेश्चन उठा ले तो वो भी चला जाए, उसके उसके खानदान के लोग भी उठ जाए, कोई नहीं चाहता, तो सब शांत है। अब बात करते हैं, ये हाफिज सईद का गेम है। हाफिज सईद सरगोधा का रहने वाला है, पंजाब के, और गुजर है, जात से गुजर है। अच्छा, ये गुजर और जाटों की जो लड़ाई है ना पाकिस्तान में, बड़ी पुरानी है, भले हिंदुओं में होते हैं गुजर जाट, ये मुसलमान होकर के भी ये लोग जातिवाद ये सब इनके यहाँ बहुत है, और गुजर और जाट अवान है, गुजर है और चीमा है वो जाट है, तो ये जाट और गुजर की लड़ाई है, और गुजर है हाफिज सईद और इसके तीन भाई, हाफिज हामिद, हाफिज मस्तून और हाफिज हनन, ये तीन भी आतंकवाद के काम में है, इस्लामिक क्लरिक भी आतंकवाद के काम है। हालांकि हाफिज सईद को पूरा प्रमोशन जब एक रैंक्स के ऊपर प्रमोशन तब मिला था जब जियाउल हक हुआ करता था, लेकिन अब हाफिज सईद एक बड़ा नाम हो चुका है, और इस बड़े नाम के साथ इसके इसकी पूरी फैमिली इस आतंक के बिजनेस में घुस चुकी है, और पैसा मोटा है, क्यों ना उसे। बात करें कमालुद्दीन सईद की, इसको इंडिया ने उठवाया ऐसा बोला जा रहा है, अब एक सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात, क्यों करवाएगा इंडिया? इंडिया ने अगर करवाना ही है तो जैसे कि निज्जर को सीधे मरवा दिया, मरवा देते हैं, एबडक्शन क्यों होगा? कोई रीजन? क्या इंडिया फिरौती मांगेगा? इंडिया फिरौती मांगे तो मैं मान लू। अच्छा, आपने एबडक्शन करा के आप उसे इंडिया लाना चाहते हो, तो उसको आपने पेशावर से उठाया, उसके बाद आपका प्लेन कहां खड़ा, देश से उठा के लाओगे या फोन ट्रेन से लाओगे, कार से लाओगे, मतलब उसको लाया भी नहीं जा सकता था। आप एडेप्शन करा के तीसरा मिशन क्या कि हम उसे उठवा के और उसको बाद उसको मार देंगे, तो इन द एंड मारना ही है,
तो उसे उठाने की जहमत क्यों? एक आदमी एक जगह खड़ा है, उसको तीन लोग निकलेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ के उठा के कार में बैठाएंगे, फिर लेके जाएंगे। उससे अच्छा आसान तरीका ये नहीं कि वहीं गोली मार के भाग जाए? सिंपल सोचने वाली बात है। तो इंडिया ये काम क्यों करेगा? इंडिया ये काम करता भी नहीं है, इंडिया ने काम किया भी नहीं। एक्चुअल में क्या गेम है कि ये जो पूरा हाफिज सईद की फैमिली है और तलहा है, ये सारे के सारे इनसिक्योर फील कर रहे थे जब से कुछ वहां पे लोग मारे गए। एक अभी शेख शेख जियाउर रहमान है जिसको मार दिया गया था, तो हफ्ते पहले की खबर है, कल ये खबर प्रोमिनेंस में आई। 46 ईयर का क्लरिक था, क्लरिक के साथ साथ ये जामिया अबू बकर मदरसे का एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि महतम भी था। अच्छा, ये आदमी आतंकवादी था, इसको मारने के पीछे इंडिया की रॉ का हाथ था, ऐसा पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं। मैं आज नहीं बोल रहा, दो हफ्ते पहले जब मर्डर हुआ था तभी वहां के पुलिस ने क्लेम किया था इसमें रॉ का हाथ हो सकता है। अच्छा, रॉ ये काम कराती है कि नहीं कराती, मैं क्या बोलूं या आप क्या बोले या कोई और क्या बोले, ये पाकिस्तानी ज्यादा हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसा काम नहीं कराते। लेकिन जो दुश्मन है इनके, जैसे कि टीटीपी है, अब टीटीपी क्या कर रहे हैं, टीटीपी क्यों मारेगी इन सबको? टीटीपी इन सबको इसलिए मारेगी क्योंकि ये भी आतंकी संगठन रखते हैं, इनके पास भी लोग हैं, इनके पास बंदूकें हैं। अगर इनके लीडर्स को मारोगे तो ये वीक पड़ेंगे और ये टीटीपी के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। ये दबदबे का एरिया है, दबदबा चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ एक और क्लरिक को मारा गया था जिसका नाम क्लरिक नहीं था, ये भी आतंकवादी था। इसका नाम था जिया अहमद ओ एडियस अबू कासिम, ये खबर मैंने दी थी। और ये हाफिज सईद का आदमी था, इसे 1 जनवरी को मारा गया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और साथ में 7 और लोग मारे गए थे, 13 लोग इंजर्ड थे आतंकवाद में। अच्छा, ये भी एक कहानी है, जो ये दो लोग मारे गए इससे पाकिस्तानी आतंकवादियों की कमर टूटी, और टूटने से क्या हुआ कि वहां घुस पाए, टीटीपी स्ट्रांग होती है। कराची में अगर पाकिस्तानी आर्मी की सेना के लोग, पाकिस्तानी सेना के टट्टू मारे जाते हैं तो टीटीपी स्ट्रांग होती है, बलूचों को मिलता है, सिंध मूवमेंट को बल मिलता है कि इनका आदमी निपटा दिया। ऐसे ही ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो किलिंग हुई थी, इससे भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को बल मिलता है। ये डरे हुए थे, हाफिज सईद की पूरी फैमिली डरी हुई है कि इस तरीके से हमें तो निपटा दिया जाएगा। इनके इंटरसेप्ट बोल रहे थे कि ऑफकोर्स ये लोग टारगेट पे तो है ना, हिटलिस्ट पे है सारे, चाहे तलहा हो, हाफिज हो या ये हो कमालुद्दीन, ये सारे के सारे टारगेट पे हैं, हिट लिस्ट पे हैं। अगर हिट लिस्ट पे है तो कोई ना कोई मारने की तैयारी कर रहा होगा। और ये बीएलए और टीटीपी जब से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, तब से इन लोगों के लिए आसान हो गया कि तू मेरे वहां 2 मार दे, मैं तेरे यहां 2 मार देता हूँ। क्या होता क्या है, जो एंटी टीटीपी है वो आदमी जाके बलूचिस्तान छुप जाता है, वो आदमी सिंध में जाके छुप जाता है, तो उसको टीटीपी वहां मारने जाए, इससे अच्छा वो बीएलए को बोलती है कि तो उसे निपटा दे, खत्म। हम लोगों का दोनों का मिशन तो एक है ना, तू अपना आजादी चाह रहा है, मैं अपने एरिया की आजादी चाह रहा हूं। तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इन दोनों के पीछे नाम भाई, अभी पाकिस्तान की जो वहां पे यूएन में जो मैडम है बैठी है, उन्होंने खुद बोला कि इन दोनों के पीछे इंडिया है। अच्छा, जिसके पीछे भी इंडिया बताया जाता है, इसका मतलब वो इनके हाथ से निकल चुका है, राइट? वो आतंकवादी है जिनको इन्होंने हथियार दिए थे, अब हाथ से निकल गया। हाथ से निकले आतंकवादी इंडिया के हैं, है ना? अपने जो हाथ में है वो आतंकवादी नहीं होते, वो मुजाहिदीन होते। अब ये जो मुजाहिदीन टर्न्ड आतंकवादी हैं, टीटीपी के हों या दूसरी के हों, ये सबके साथ पाकिस्तान के जो चंपू हैं, पाकिस्तान के जो खास आदमी हैं, जो कि टीटीपी के लोगों को कहीं ना कहीं मार रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। ये आदमी सरगोधा का रहने वाला कमालुद्दीन वहां पे पेशावर में क्या कर रहा था? ये पेशावर में यही काम कर रहा था कि वहां बैठ करके टीटीपी के नेटवर्क को ढूंढ रहा था, उस नेटवर्क को तोड़ के या तो अपनी तरफ ला रहा था, यूटिलाइज कर रहा था, या उनको मार रहा था। तो अपने 15 चंपू ले गया। अच्छा, एक इसमें जाम इनका जो हफ्सा मदरसा है वो बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऐसा है जो कि पलट सकता है बाजी, वो गवर्नमेंट भी पलट सकता है, वो आर्मी में रिपोर्ट भी चला सकता है, उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हम उस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन। अभी मैं इस पर कमालुद्दीन पे,
कमालुद्दीन जो 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 सरगोधा का रहने वाला है, जिंदगी भर पेशावर रहा है, घूमता रहा है लेकिन पेशावर का बेसिकली, वो लाहौर का है, वो पेशावर में क्या कर रहा था? वो जिंदगी भर लाहौर में रहा है, पंजाबी है, सरगोधा पंजाब का है, वो पेशावर में क्या कर रहा था? वो पेशावर में बैठ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, लश्कर के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करके रिक्रूटमेंट्स और दूसरा टीटीपी के लोगों को, जो जो वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या उसका नेटवर्क है, उसको तोड़ रहा था। इसको मारना बहुत जरूरी था। तो हुआ क्या कि पता लगा कि ये हिटलिस्ट पे है, तो इसको उठाना बहुत जरूरी हो गया। अब ये इसको बोला गया कि तू गायब हो जा, वो गायब हो गया। अब ISI ने उसे गायब किया और उसके बाद बोलते वो तो भाग गया, क्यों? या उसको अगवा कर लिया गया, क्यों? कहीं TTP इसके ठिकाने पे हमला ना करे, इसलिए बताया गया हमारे पास तो है नहीं, वो गायब हो गया। लेके इसे ISI वाले गए और ISI वालों ने दूसरों को भी, तलहा को भी और दूसरे आतंकवादियों को भी, जब से ये ऐसे आतंकवादी मारे जाने शुरू हुए तब से दूसरों जगह पे सबको अपने अपने जगह ठिकाने पे उनको सेफ हेवंस दिए हुए हैं, वो सेफ जगहों पे रहते हैं, उनको उनको सेफ हेवन, जैसे उसामा बिन लादेन था वैसे उसको सेफ हेवन इन्होंने भी दे रखा है। तो इसको भी, तलहा को भी और कमालुद्दीन को भी, दोनों को सेफ हेवन में ले गए हैं, वहां पे आराम से रहो, खाओ पियो, जब खतरा हो तब आपको चूहे के बिल से बाहर निकाल देंगे हम, आप फिर काम करना। इतने देर इन मर्डर्स का, ये जो हमले हुए थे, जो आतंकवादी मारे गए थे, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चाहे वो कराची हो, इसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी हैं उनके दिल में दहशत बैठ जाए कि हम भी मारे जा सकते हैं और वो कहीं सेफ सेफ लोकेशन में घुस जाए, वो अपने बिलों में घुस जाए, ताकि TTP वहां से फुल फ्रंट पे खेले। अब TTP फुल फ्रंट पे खेल रही है, इस समय TTP फुल फ्रंट पे खेल रही होगी पेशावर में। अब उसके लोग क्या करेंगे? तलहा गायब, कमालुद्दीन गायब, हाफिज गायब। अब लश्कर के लोग ढूंढ रहे आएंगे। अब लश्कर के लोगों को ढूंढ ढूंढ के या तो गोली मारी जाएगी या अपनी तरफ ट्रांसफर कराया जाएगा। ये TTP के चलते हैं। और TTP को ये बात कैसे पता लगती है कि ये लोग लश्कर के हैं? वो एरिया पेशावर हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये पूरा एरिया TTP का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में TTP अपने अंदर वो रखते हैं, TTP अपने जासूस, मतलब कोई आदमी है सब्जी बेच रहा है, कोई आदमी है ठेला चला रहा है, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे लोग TTP के इन्फॉर्मर्स हैं। वो बताते हैं कि ये आता है, इससे मिलता है, इससे मिलता है, इससे मिलता है, इनको उससे पता लगता है कि ये आदमी लश्कर है। अब इस लश्कर के आदमी को बोलो कि हम तुझे ज्यादा पैसे देंगे तो हमारे लिए काम कर। ये वही अंडरवर्ल्ड गैंग जैसे नहीं चलता, दाऊद का और छोटा राजन का, उस तरीका है, ज्यादा पैसे देंगे हमारे लिए काम कर, तू काम कर रहा है ठीक है, तेरे को 72 जिन तेरे को 72 पूरे चाहिए, तेरे को 74 दिलवाएंगे, तू आ। ये लालच दे के इनको अपनी ओर किया जाएगा। जो नहीं आया, सफाई, ये सफाई मतलब उसको इमीडिएटली 72 वो दिलवा दी जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं लश्कर के लिए, तो अब वहां पे 50 या 30 काम करना शुरू करेंगे, बाकी TTP के लिए काम करेंगे। तो पेशावर में दबदबा बनेगा TTP का, पेशावर में चप्पे चप्पे पर TTP के लोग बैठे होंगे, और पेशावर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी ISI की कमांड से बाहर निकल जाएगा। यही चाह रही है TTP। इसी चीज को तोड़ने के लिए इस कमालुद्दीन को पेशावर भेजा गया था, और साथ में मतलब पेशावर, अगर आप पेशावर तोड़ते हो तो पेशावर के बाहर के एरियाज भी टूटने शुरू होते हैं, क्योंकि आपने एक हर जिले में एक आदमी बैठा दिया है उसका लश्कर का, तो वो एक्चुअल में देखता है कि हाँ, ये जिले में, इस जिले में TTP के लोग कम हो, मेरे ज्यादा हो, ये सब, ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म जिस तरीके से, उस तरीके से। तो अब क्योंकि हेड ही गायब हो गया है, वो ही डर के छुपा हुआ है, तो पूरा कार्डर जो है, पूरे जो वहां पे जितने भी लोग जो लश्कर के लिए काम करते हैं, उनको देखेगा कि यार हमारा ही आदमी गायब है, अब क्या? तो हमारे TTP बेटर है, अब वो TTP की ओर जाएंगे। ये लड़ाई चल रही है, दिस इज पावर स्ट्रगल दैट इज गोइंग ऑन इन द TTP रैंक्स एज वेल एज द लश्कर रैंक्स। और इसका गायब होना, अभी तक इस पर पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं बोल रही है, खबर ये है कि इसे ISI ने गायब किया है, ISI ने सेफ रैंक्स में रख लिया है। खबर ये भी है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसे TTP ने उठाया। मैं नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता, इसका भी रीजन बताऊंगा।
एक आतंकवादी, बड़ा आतंकवादी, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, आयमन ज़वाहिरी हो, वो अकेले कभी नहीं होते, वो अकेले कभी नहीं होते। जैसे ये तो रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे आयमन ज़वाहिरी और ओसामा बिन लादेन, लेकिन कमालुद्दीन रिटायर्ड नहीं था। जब ये अपनी जेनिथ पे होते हैं, जब वो अपनी पीक पे होते हैं अपनी पावर की, चाहे वो ओसामा था, चाहे वो आयमन था, आयमन ज़वाहिरी था, या अभी हाफिज सईद है, वो अकेले कभी नहीं चलते। उनके साथ 15-20 लोगों का लव लश्कर होता है, क्योंकि पता है इसकी लाइफ को थ्रेट है। आगे 5 गाड़ी, पीछे 5 गाड़ी, और जिस तरीके से मतलब इंडिया में तो अंडरवर्ल्ड डॉन 5-5 गाड़ियों के साथ घूमते हैं, ये तो आतंकवादी है। क्या ये 5-5 गाड़ियों के साथ नहीं घूमते होंगे? जब भी कभी कहीं पे होगा तो उसके चारों ओर, मतलब ऐसे नहीं है कि गनमैन की तरफ ब्लैक कैट कमांडो हो, लेकिन आदमी खड़े होंगे जिनकी जेब में बंदूक होगी, उसको मारने की कोई कोशिश करेगा या अटैक करने की कोशिश करेगा तो गोलियां कितने राउंड फायर होंगे किसी को पता नहीं होगा। तो वैसे में कोई आदमी गायब कैसे हो सकता? और कमालुद्दीन तो बहुत बड़ा आदमी था, सबको पता है कि हाफिज सईद की फैमिली निशाने पे है। तो इसके बच्चों के पास सिक्योरिटी नहीं थी, ये बात कोई मानने के लिए तैयार है? मैं नहीं मान सकता। तो सच ये है कि इसको अभी ले गए हैं, लेकिन टीटीपी का जो फायदा आएगा अब सामने, वो हमें दिखेगा कि टीटीपी कितने फायदे में जाएगी। इसी के साथ एक और खबर, क्या फिर हाजिर होंगे? अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।